बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज सर परवेज। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी भी मेरी बाकी रेसिपी की तरह बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा झटपट बनने वाली है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। इस रेसिपी को आप अपने प्लेलिस्ट में सेव करके रख सकते हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। अच्छा, इसमें आपकी मर्जी है, अगर आपको मोटे थोड़े से मोटे कीमे का कबाब पसंद हो ना तो आप इसको मोटा कीमा रख सकते हैं इसका थोड़ा सा, और अगर आपको बिल्कुल बारीक जैसे कोफ्ते वाला होता है उतना बारीक पसंद है ना तो फिर आप उतना बारीक भी इसको कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा मोटा है कीमा मेरा तो मैंने इस हिसाब से रखा हुआ है। और इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने मसाले, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, मीठा सोडा जो पकोड़े में डालते हैं वो वाला सोडा डाला है 1/4 टीस्पून, और मैंने रोस्टेड चने का पाउडर डाला है 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास वो नहीं हो तो जब आप कीमा पीस रहे हो तो 2 ब्रेड आप उसमें डालकर पीस लीजिएगा। 2 हरी मिर्ची डाली हैं चॉप करके, प्याज डाली है चॉप की हुई 4 टेबलस्पून के बराबर, और हरा धनिया डाला है मैंने चॉप किया हुआ 3-4 टेबलस्पून के बराबर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मिक्स आपको बहुत ही ज़बरदस्त करना है, बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरह से आटा हम गूंथते हैं ना उस तरीके से आपको बहुत अच्छा सा मिक्स देना है, और फिर मिक्स करने के बाद इसको हम कबाब का शेप दे देंगे। अच्छा, शामी कबाब का जिस तरीके से हम कबाब बनाते हैं ना, शामी कबाब के कबाब जैसे ही इसके कबाब बनाएंगे, लेकिन थोड़े से पतले बनाएंगे। वो इसलिए कि जब ये फ्राई होगा ना तो इसके अंदर जो गोश्त का पानी है वो सूखेगा, तो गोश्त जो है ना वो श्रिंक हो जाएगा, कबाब श्रिंक हो जाएंगे, छोटे साइज़ के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैन ले लिया है, 3-4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, इसमें ऑयल भी आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी आप देखिएगा मैंने इसमें कबाब डाले हैं, थोड़ी देर के बाद ये कबाब के साइज़ जो है ना वो छोटे साइज़ के हो जाएंगे। लिड लगा दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम की तरफ रखते हुए मैं इसको पका रही हूँ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा ना जब, तो मैं इसको पलट दूँगी। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, और अभी आप साइज़ चेक करें कितना श्रिंक हो गया है ना, तो यानी गोश्त का जो पानी है वो खुश्क हुआ है इसलिए ये श्रिंक हो गया है, तो इसीलिए पतले पतले कबाब मैंने बनाए थे। अभी इसका आप साइज़ देखें, साइज़ बिल्कुल सही हो गया, परफेक्ट मोटा साइज़ हो गया ना, गोल गोल मोटे मोटे से हो गए, तो जगह अच्छी खासी हो गई थी, पहले तो जगह नहीं थी, जब जगह हो गई तो मैंने बाकी के कबाब भी इसमें डाल दिए हैं, फिर वो श्रिंक होंगे तो मैं और डाल दूँगी। इसी तरीके से मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए, 20 मिनट में कबाब बिल्कुल फ्राई हुए। अब इसी सिंपल से कबाब को हम देंगे नेक्स्ट लेवल, तो वो कैसे, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक फ्राइंग पैन, और उसमें डाला है मैंने 3-4 टेबल स्पून ऑयल, और डाल दिए हैं जो हमने फ्राई किए हुए थे कबाब सारे, वो सारे के सारे कबाब मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अदद प्याज, उसको रिंग साइज़ में कट कर लिया है, देखिए रिंग मेरे मोटे मोटे साइज़ के हैं, तो इसी तरीके से आपको भी कट करना है। तो प्याज डाल दिए हैं इसमें, और 2 मैंने टमाटर ले लिए थे तो टमाटर भी इसी तरीके से कट कर लिए हैं और वो इसमें डाल दिए हैं। 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, और अब इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा, और 1/2 टीस्पून इसी हुई काली मिर्च इसमें डालेंगे। और अब जो इसकी कुकिंग होगी ना वो हाई फ्लेम पर होगी, हाई फ्लेम पर आपको इसको कुक करना है, और ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसको हम कुक करेंगे, इस तरीके से मिक्स करना है। और मज़ीद चटपटा करने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, आप लेमन जूस 2 टेबल स्पून के बराबर या आपको जितना अच्छा लगता हो वो डाल दीजिएगा, और लास्ट में हरा धनिया और पुदीना मैंने चॉप करके रखा था वो इसमें गार्निश कर दिया है। बस इसको देखिए 2-3 मिनट ही पकाना है, यानी कि प्याज का जो क्रंच है ना वो बरकरार रहना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो प्याज और टमाटर दोनों ही, इतना बस आपको पकाना है। तो बस मज़ेदार चटपटा और चटखारा कबाब भी आप इसको कह सकते हैं, और ये बहुत मज़े के कबाब बने हैं, आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप इसके साथ रोटी पराठे जिसके साथ आपको अच्छा लगता हो उसके साथ इसको खा सकते हैं, और मेहमानों को भी आप पेश कर सकते हैं। इसके साथ हरी चटनी का रायता बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो लाजमी इसके साथ रखिएगा, उसके साथ इस कबाब का मज़ा जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का मज़ा होता है। तो आप देखिए कबाब कितने जूसी बने हैं, आप लोग वीडियो देखें और कैसी लगी बताएं मुझे, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली से फ्रेंड से, और बेल आइकन को क्लिक करें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।